नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, कोरोमंडल इंटरनेशनल इसके क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर, इसके लिए सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस रिजल्ट की तरफ। देखिए, करोड़ में तो ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इस बार 10,108 करोड़ में आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में ये मात्र 5,722 करोड़ थे और एक साल पहले मात्र ये 6,141 करोड़ था। अदर इनकम की बात करेंगे तो 31 करोड़ रुपीज थी, जो पिछले क्वार्टर में 53 करोड़ था। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती है दोस्तों, वो 10,140 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 5,775 करोड़ रुपीज थी। यानी आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली दुगना दुगनी जंप की है कंपनी ने। अगर आप दुगना नहीं भी कहेंगे तो भी एटलीस्ट 70-80% का तो जंप आपको इसमें मिलेगा ही टोटल इनकम में। अब बात कर लेते हैं खर्चों की, कि भाई खर्चे किस प्रकार के रहे हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ और बात करते हैं खर्चों की। तो देखें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है दोस्तों, 5,933 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 4,698 था। ठीक है, यानी कि ये जो लेवल है दोस्तों, ये साफ दर्शा रहा है कि उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं हुई है। ठीक है, बात करें परचेज स्टॉक एंड ट्रेड की, तो 1,650 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1,077 करोड़ था। यानी जो परचेज स्टॉक एंड ट्रेड है, ये लगभग आप कह सकते हैं 60% का जंप यहाँ देखने को मिला है। चेंज इन इन्वेंट्रीज की बात करेंगे तो जहां ये पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव 14,1463 करोड़ थे, वो अब चल के निगेटिव 644 करोड़ हो गया है। और बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की, तो ये फ्लैट सा ही रहा है, 155 करोड़ से बढ़कर के बस 169 करोड़ हो गया है। बात करें अन्य खर्चों की, तो फ्राइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अन्य कॉस्ट कितना हुआ है, तो इस बार 307 करोड़ है, जो पिछले बार 245 करोड़ था। बात करें अदर एक्सपेंसेस की दोस्तों, तो देखिए ये इस बार 349 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 326 करोड़ था। ठीक है, तो जब आप इन सबको जोड़ लेंगे ना, तो जो टोटल खर्चा है वह 9,153 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 5,109 करोड़ था। यानी देखिए, धंधा बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस सब के बावजूद, खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ने के बावजूद, अगर आप देखेंगे ना कि प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर जॉइंट वेंचर, तो ये आप पाएंगे कि 986 करोड़ है। इवन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 986 करोड़ रुपीस निकल के आए दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव आखिरी में कितना और ईपीएस क्या रहा है। तो देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे आप तो 734 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 487 करोड़ था और एक साल पहले 524 करोड़ था। यानी शानदार रैली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, शानदार रैली रैली ईयर ऑन ईयर। यानी ये आप देख ले कि जबरदस्त तेजी है। और ईपीएस देखेंगे तो डायलूटेड ईपीएस 16.85 से बढ़ करके 25.07 हो गया है। यानी जबरदस्त शानदार रिजल्ट है दोस्तों चोलामंडलम के और कोरोमंडलम के, माफ कीजिए कोरोमंडल के, मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी यहां से अब आप देखेंगे तो जबरदस्त रिजल्ट है और आज इसमें तेजी होनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।